भागवत जी से कितनी चीजें मिलती हैं? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की जरूरत है या नहीं है? किस किस को है? मैया आपको भी है? अच्छा, यहां वाली मैया, ओ पंचायती मैया, देखो मस्त मोबाइल कान में लगा है और वहां देख रही है मैया, बैठी यहां है, पता नहीं कहां फोन लगा रही है। मैया को जरा याद दिलाओ कि कथा में बैठी हो। मैया हो गई पंचायत और कर लो प्रपंच, यही करने तो आए हैं यहां। सुनो मेरी माँ, आपको क्या लगा यहां से दिखता नहीं है? सब दिखता है यहां से। पीछे वाली मैया बैठी है वो भी दिख रही है सबसे पीछे। चलो, भागवत सुनने से तीन चीजें मिलती हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। अच्छा, भक्ति की जरूरत क्यों है? क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति सब कुछ दे सकती है, इसलिए भक्ति के बिना जीवन अधूरा। जैसे एक सुंदर स्त्री है और उसका श्रृंगार बढ़िया है, वो उसका स्वरूप भी अच्छा है, पर उसकी नाक काट ली जाए तो क्या नाक के बिना उस स्त्री की शोभा होगी? जैसे नक कटी स्त्री की शोभा नाक के बिना नहीं है, नक कटा पुरुष का उसकी शोभा, पुरुष की भी नाक काट ली जाए तो पुरुष हो या स्त्री हो, नाक के बिना शोभा नहीं पाता। उसी प्रकार जीवन की नाक, हम सब की नाक तो भक्ति ही है। आपके पास सब कुछ है पर भक्ति नहीं है तो मानो आपकी नाक कटी है, मानो आपकी नाक नक कटा है। इसलिए नाक हमारी भक्ति ही है, तो भक्ति का होना जरूरी है, आवश्यक नहीं अति आवश्यक। तो भक्ति, ज्ञान। अच्छा, ज्ञान के बिना विज्ञान नहीं है। बताओ, ज्ञान बड़ा कि विज्ञान बड़ा? आप बताओ भैया, ओ जाने वाले भैया, बताओ ज्ञान बड़ा कि विज्ञान बड़ा? बताओ पहले, फिर चले जाना। क्या बड़ा? जाते जाते ये तो बता जा, ज्ञान बड़ा विज्ञान बड़ा। जल्दी बताओ, हम इंतजार कर रहे हैं, आप खड़े हैं टुप्पी टाप। ज्ञान बड़ा कि विज्ञान बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा? ज्ञान है तब विज्ञान है, इसलिए विज्ञान का बाप कौन है? और ज्ञानी लोग भारत में रहते हैं, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। सारा ज्ञान यहीं से सप्लाई होता है। अब आप लोग अपने बच्चों को ज्ञान ना दे पाए, इसलिए आपके बच्चे विज्ञान को नहीं जान पाए। ज्ञान ले लिया जर्मनी के लोगों ने, जापान के लोगों ने, इसलिए ज्ञान ले लिया तो वैज्ञानिक वो हो गए, साइंटिस्ट वो हो गए, जबकि ज्ञान तो हमारे यहां था। हमारे यहां रिसर्च करने वाले को ऋषि कहते हैं, साइंटिस्ट मतलब ऋषि। हमारे देश में पहले साइंटिस्ट का, जो आज इंग्लिश में साइंटिस्ट कहते हैं, उसे संस्कृत में ऋषि कहते हैं, इसलिए हमारे रिसर्च करने वाले को ऋषि कहते हैं।